है मुजीका, आलू मुजीका, ये अब इसकी जो है ना प्लांट पे हमने शिफ्टिंग कर रहे हैं और ये इसको धुलाई करेंगे और इसको वाश करके फिर आगे इसको पैकिंग में करते हैं, आपको आगे भी दिखाते हैं। आगे हाँ ये देखना, इसको आप छुरी के साथ काट रहा है और आलू ना काट देना, आलू नहीं काटना, आलू धागा काटना है, ये धागा काटेगा, ये देखें माशाल्लाह ये बहुत बड़ा प्यारा मुजीका है। अब इसकी ये आंख निकली है ना, ये टूट जाएगी। ये बेसिकली आलू आए किधर से हैं आप? ये बेसिकली जिमीदार के जो है ना अपना गाँव जो रकबे होते हैं, पैलियाँ होती हैं, उधर से आए हैं, वो जिम्मेदार लगाता है, उसके बाद इसकी मशीन फेर के इसको निकालता है। तो आप लोग इसको प्रोसेस करने के बाद, यानी हम इसको हम जिम्मेदार से जाके इसको ले लेते हैं, खरीद लेते हैं जी, उसको पैसा देते हैं, फिर माल को शिफ्ट करते हैं इधर। ये प्लांट लगा हुआ है, अब ये प्लांट का नाम है अल मक्का प्लांट। ये सेंट्रिंग वाला आलू आगे निकलते जाते हैं, आगे आ रहे हैं इसकी आगे है। ये इस प्लांट का जो है ना, ये इसका जो छोटा दाना है वो खुद ब खुद इधर निकाल देता है। अच्छा, ऊपर से जो छोटा दाना है वो नीचे आता है? हाँ, वो ये नीचे आ रहा है, जो हल्का फुल्का है जो कटा हुआ वो इधर गिर रहा है, ये देखिए अब इसके अंदर आ रहा है, अंदर आया अंदर। अच्छा, यहाँ से जो आलू वो अभी इधर लेके आए, ले आए इधर, अभी इधर ले गया, यहाँ सारा नजर आ जाता है, ये सारा नाम इधर नजर आ रहा है, ये इधर से नजर आएगा इस साइड में, अभी इधर वाश हो रहा है। ये ड्रम लगा हुआ है, ड्रम इसमें हम कुछ केमिकल होते हैं वो भी डाल देते हैं, नहीं तो ये पानी के साथ वाश भी करते हैं। अगर आलू के ऊपर कोई मतलब स्कैब वगैरह होती है तो वो सामने नजर आ जाती है, ये आ रहा है। अभी इधर ये ब्रश लगे हुए हैं, ये धुलाई हो रहा है, अभी इसकी धुलाई हो रहा है ये वाला। तो ये इनको वॉश करने के बाद पैकिंग वगैरह इसकी इधर ही होती है? हाँ, वो आगे ये इसी मक्का प्लांट पे इसकी पैकिंग भी आगे चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए ये ब्रश लगे हुए हैं आगे, ये इसकी जो है ना ऊपर जो मट्टी वगैरह होती है वो ये बुरश लगाते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये अब धुलाई हो गया, वो दाना जो मैंने उधर दिखाया वो अभी ये फौरे लगे हुए हैं, इसको ले लो। किस्म का नाम क्या, कौन सा आलू है ये? ये मुजीके वाला आलू, मुजीके वाला आलू है, मुजीका। अभी ये हो यहाँ पे आप ले कैमरा, ये मुजीका ही है सारा, एक ही वॉश ही होते हैं। हाँ, ये वाला निकालेंगे हम, उधर आगे निकालते जाएंगे। इधर ले आए, इधर सही हो गया, अब आप इधर आ जाए, अब आप इधर आ जाए। यहाँ पे इसकी जो है ना कलर वो ज्यादा खूबसूरत हो गया, ये इसमें प्लांट है ये, और अदरक वगैरह भी फायदा हुआ है, काफी अच्छे तरीके से जो है आते हैं, सफाई होती है यहाँ पर, लोग होते हैं और काफी टाइम में काफी ज्यादा आलू जो है काफी ज्यादा तकरार में आते हैं। आप इधर लेके आए, उनकी धुलाई होती है, फिर उनको सुखा के जो पैकिंग करते हैं, जो है ना आपको जो है ना आहिस्ता आगे तीन जगह पे इसको वॉश करेंगे, तीन जगह पे, एक ये हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये फिर आगे इसका तीसरा नंबर सेकंड प्रोसेस इस पर चल रहा है। इसको मुजीका कहते हैं, ये मुजीका पटाटो है सफेद, खाने के लिए बहुत बेस्ट है। और इसको फिर वो लेके जाते हैं वो अपना खानपुर वाला, खानपुर वाले का। अभी इसी में जो आलू साफ होते जाते हैं, जो खराब आलू निकालते हैं, फिर जो आगे आलू है उसको फिर इसको अंदर पंखे लगे हुए हैं तो उसको फिर साफ करते हैं, वो उसकी खुशकी खुश करते हैं। तो जो आगे वाला पोर्शन है वो आपको दिखाते हैं अभी। हाँ, यहाँ से ये पंखे लगे, यहाँ इस इतने एरिया में क्या होता है ये वीडियो वाला। हाँ, ये देखें ना आप, इसके पंखे लगे हुए हैं, इसको ये आप खुश कर रहे हैं, इसको हवा जो है ना इसको दे रहे हो। अच्छा, खुशे हो रहा है यहाँ पर आलू जो है इसका पानी वगैरह जो वो सूख जाता है। ठीक है, इधर आ जाए वो प्लांट और ये अब इधर आ जाए, मेन जगह पे आ जाए आप। क्या नाम है आपका? बेटा जो है ना माल माल सेंटर आ रहे हैं, प्लांट के जो मैनेजर हैं। तो आगे आ जाए जहाँ पर आलू खुश्क हो रहा है, उसके बाद आपको इसकी पैकिंग भी दिखाते हैं। एक यहाँ से आप ये खुश्क होके निकल पड़ा है, अब इसकी आगे जो है ना पैकिंग शुरू होगी।
अब ये इसका सूख गया है, इसमें पानी नहीं है, सूख गया, ये प्लांट इसका चल रहा है। यहाँ पर आलू जो है इस मशीन के अंदर से खुश्क होकर निकलते आ रहे हैं। अब इधर जो है ना वाश होकर निकल पड़ा, अब इसको पैकिंग के लिए आगे ये पैकिंग वाला काम शुरू हो गया। इस कन्वेयर पे ये वो आगे कितना जा रहा है यार, ये दोनों भी ये आधे आलू इस साइड पे जा रहे हैं, आधे आलू के अंदर बहुत चली जा रही है। बहुत बड़ा प्यारा मुझे लंबे शेप वाला, इधर से आलू निकल रहे हैं आगे खुश निकल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कन्वेयर बेल्ट ये पैकिंग के लिए आ रहे हैं, ये पैकिंग के लिए जा रहे हैं, इधर से आगे कुछ आगे ले जाते हैं, साइड में चले जाते हैं, यहाँ से आलू निकल जाता है आगे। ये जो है ना माल ये वाला जो है ना ये जा रहा है अब ये सीधा पैकिंग के लिए जा रहा है, या उधर वो लड़के बैठे वो पैकिंग करेंगे। यहाँ पर पैकिंग हो रही है इस वक्त, इसकी थैली पैकिंग करके बता दे रहे वाली या पैक हो रही है, इसको थोड़ा नीचे करो ऐसे हाथ, यहाँ से आलू आगे कितना जा रहा है। हाँ थैली भर जाती है तो इस थैली जो है ना पैक होगी, इसको सिलाई करेंगे इधर, मैं सिलाई करवा, ये सिलाई हो रहा है, ये इसको यार उधर रखो, ये इसका कांटा हो रहा है, ये कांटा हो रहा है, उसका वजन भी होना होगा। अब कितना वजन कितना पेट लेते हैं, 3 किलो, 3 किलो इसका वजन है। अब ये यहाँ पर बोरी ये सिलाई कर रहे हैं, अब ये पैकिंग हो रहा है, अब इसको अब उधर आलू पैक होने के बाद इधर आया मिठू खान, ये भी वाश हो गया आलू यहाँ पर पड़ा है, अभी इसको अभी इसको कंटेनर में लोड करना है। तो ये वाला जो ये वाला कंटेनर है, इधर कंटेनर है, इसके अंदर जो है ये सारा आलू वॉश होने के बाद प्रोसेस होने के बाद इसके अंदर ये इसका कंटेनर है ना, इसके अंदर दरवाजे लगे हुए हैं, अभी ये कूलिंग कर रहा है, कूलिंग ठंडा हो रहा है, इसके अंदर जो है ना बर्फ जम रही है, अभी ठंडा हो रहा है, कूलिंग हो रही है इसकी। ये इसके ड्राइवर खड़े हैं, ये इधर प्लग लगे हुए हैं, ये अब इसको करंट दे रहे हैं, तो इस तरह फिर इसको जब इसके दरवाजे खोलेंगे, अभी खुला हुआ दरवाजा जी एक दफा खोले, ये इसके लॉक है, तो ये कंटेनर अभी ये अंदर जो है ना इसकी बहुत ठंडा है, ये कूलिंग कर रहा है, ये बिल्कुल ठंडा हो गया, बिल्कुल ठंडा होता है। हाँ अभी इसका कूलिंग हो जाएगी, जब डिग्री इसकी पूरी हो जाएगी उसके बाद इसके अंदर जो है ना माल हमने लोड करना शुरू कर देना है, वो वाला जी ठीक है, थैलियों की पैकिंग लगी। अब ये पूरा कंटेनर आप लोगों ने भर देना है, आप पूरा कंटेनर भर के तो इसको बंद भरने के बाद आगे इसका किधर जाएगा, इसको बंद करेंगे, ये फिर मुख्तलिफ जो है ना मुल्कों में जाएगा, दुबई जाएगा, शारजा जाएगा, और मुल्कों में जाएगा, काफ़ी तरफ ये जाते हैं, इस तरह से जिधर का आर्डर होगा उसी तरफ भेजेंगे। सही हो गया, आप बंद कर देंगे। तो इस प्लांट का नाम है अलमत्ता पोटैटो वॉशिंग प्लांट, ये जो है इसका सारा जो आप देख सकते हैं इतनी बड़ी जगह पर जो है ये कंसिस्ट है, और ये जो सारी मशीनें और जो अभी हम लोगों ने आपको दिखाया है वो इतनी जगह पर है, यहाँ से आलू स्टार्ट होता है कहाँ जाता है, तो काफ़ी बड़ा प्लांट है और काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जो है एक ही टाइम पे आलूओं को साफ करके पैक कर दिया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स भी यहाँ पर काम करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये जो कुछ आलू अलहदा किए गए थे वो एक साइड पे पड़े हुए हैं, और जो पैकिंग शुदा आलू हैं जो बिल्कुल तैयार है वो ये सामने पड़े हुए हैं, और यहीं पर इनकी पैकिंग करके सामने कंटेनर आपको दिखाया उसके अंदर पैक किया जाएगा, और उसके बाद इसको जहाँ पर इसकी डिलीवरी हो रही है वहाँ भेज दिया। तो ये ऑनर है जो इस प्लांट के अलमत्ता प्रोसेसिंग वाशिंग पोटैटो वाशिंग प्लांट के ऑनर हैं, इनका नाम चौधरी आबद है, तो इनसे अभी हम लोग बात वगैरह करते हैं कि कल कितनी देर से इनका जो प्लांट यहाँ पर मौजूद है। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ भाई। तो कितनी देर से आप जो आलू का ये प्रोसेस वॉशिंग प्रोसेस आप लोग कर रहे हैं? ये 4 साल से प्लांट लगाया हुआ है, 4 साल से इनका प्लांट जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, और ये कौन सी जगह है जो इसका सही एड्रेस है? ये चीचा वतनी बाईपास है, साईवा रोड पे 3 किलोमीटर पे है, 37 12 स्टाफ है,
चीचावतनी से साईवाल के दरमियान में 37-12 का स्टॉप है जहाँ पर ये इस वक्त मौजूद है ये वाला प्लांट। तो आप लोग किधर से आलू मंगवाते हैं, किस किस्म का आलू आपके पास आता है? ये हम बाहर से जमींदार लोगों वगैरह से उनसे खरीदते हैं आलू सारा। तो ये हम ज़्यादातर अभी तो सीजन चल रहा है, अभी तो बाहर से डेयरी का माल आ रहा है, आगे कोल्ड स्टोरेज शुरू हो जाएगा फिर हम कोल्ड स्टोरेज से माल खरीदते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस किस्म का आलू जो आपके पास आता है, यानी काफ़ी किस्में आलू का, हर किस्म का जो हर किस्म का आलू यहाँ पर आप लोग वॉश करते हैं? हाँ, हर किस्म का आलू आता है, सफ़ेद आलू आता है, उसमें मजीका आलू ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, सेंटा भी होता है, ये शुरू शुरू में सेंटा होता है रशिया में, बाद में मजीका होता है, दिसंबर तक मजीका चलता है, मजीका आलू जो वाइट आलू है ना मजीका। वैसे ओवरऑल ज़्यादा आपका मजीका ही मजीका एक्सट्रैक्ट भी जाता है, रेड आलू भी जाता है, वो कम मकदार में जाता है। जी सही हो गया। तो मुझे ये बताएं बेचते किधर किधर, एक्सपोर्ट किधर किधर होता है? ये हम बेच रहे हैं दुबई में, कतर में, मस्कत में, मलेशिया में, इन कंट्रियों में, अरब में भी जा रहा है, सऊदी अरब में भी जा रहा है, इन कंट्रियों में जा रहा है हमारा आलू। तो काफ़ी कंट्रीज में जो इनका आलू यहाँ से वॉश होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद, जो आप पीछे प्लांट देख सकते हैं काफ़ी बड़ा प्लांट है, यहाँ पर आलू को प्रोसेस किया जाता है, वॉश किया जाता है, उसके बाद जो बैक साइड पे यहाँ पर कंटेनर खड़ा हुआ है इसके अंदर इसमें इसको पैक किया जाता है, और यहाँ से जो अंकल ने जो नेम बताए हैं रशिया, दुबई, कतर और ऐसी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जो यहाँ से आलू एक्सपोर्ट हो जाता है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो ये हमारे साथ मौजूद हैं इस प्लांट के जो सिलेक्टर हैं, जो आलू वगैरह सिलेक्ट करके फार्मर से लेके आते हैं, इनका नाम है वजीर अली। तो सर थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए कि आप जो है लेके आते हैं आलू जी, तो आप खुद जाकर फार्मर से सिलेक्ट करके लाते हैं या आपने भी आगे रखे हुए हैं? वो मैंने भाई जान, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं जब आलू लेने के लिए सुबह घर से निकलता हूँ नाश्ता करके, अभी तो रमज़ान शरीफ चल रहा है, रमज़ान शरीफ में मैं फिर अपना रोज़ा वगैरह भी होता है, तो हम तकरीबन 9-10 बजे के करीब निकलते हैं, ज़िमींदार के पास जाते हैं, तो ज़िमींदार हमें कॉल करता है कि हमारे पास आलू पड़े हैं, आप आए आलू हमारे देखें, तो हम फिर उससे पूछते हैं कौन से आलू पड़े हैं। ये भाई आप जो है ये अपना ज़्यादा मजीका आलू लेते हैं, और हमारे इस मक्का प्लांट पे जो है ना आलू मजीका वाश होता है, ये सब लेबर लगी हुई है, हम ज़िमींदार से लेके फिर ट्राली ट्रैक्टर पे इसको लोड करते हैं करके फिर इधर हम प्लांट पे लेके आते हैं। अभी प्लांट पे हमने ये मजीका आलू जो है ना वो सारा हम लेके आए हैं, हमारे जो है ना हमारे इधर मुख्तलिफ रेट होते हैं, किसी से हम 500 रुपए मन के हिसाब से लेते हैं, किसी से हम 600 रुपए मन के हिसाब से लेते हैं, मतलब मुख्तलिफ उसकी प्राइस है, कभी हमें वो सस्ता मिल जाता है, कभी बहुत महंगा लेना पड़ता है, तो जैसे हमें बाहर के आर्डर मिलते हैं उसी हिसाब से हम माल लेके भाई आपको इधर अल मक्का प्लांट पे भेजते हैं जी। तो इसके बाद जो है अपना ये हमारे जो पाकिस्तानी आलू है या पाकिस्तानी जो अपना मैंगो है या जो भी है इधर की जो फसलें हैं सब्जियां वगैरह वो सब हमारी टेस्टी होती हैं और बेहतरीन है, हर मुल्क में हमारे पाकिस्तान की चीज़ें जो है ना बहुत मतलब पसंद की जाती हैं जी। तो और जी ये बताएं कि जब आलू यहाँ से निकलता है बाय एयर आगे जाता है एक्सपोर्ट होता है या? ये कंटेनर सामने खड़ा है इसके, इसमें अब ये लेबर वाश करके पैकिंग करके इसको इसमें डालेगी, अब ये कराची जाएगा, कराची जब जाएगा वो फिर बड़े जहाज पे जो है ना ये कंटेनर डालेंगे, वहाँ से फिर 25-30 एकड़ जितने भी वो जहाज पे कंटेनर आते हैं वो फिर लेके जाते हैं, वो 2-3 दिन के बाद जो है ना जिधर भी पहुंचना है 2-3-4 दिन लग जाते हैं, यानी कि 2-3 दिन में डिलीवरी आलू की डिलीवरी आ जाए, वो जितना कोई जितना सफर ज्यादा होता है जिस मुल्क में भेजना है, जो कराची के नजदीक है वो जल्दी पहुंच जाता है, जो थोड़ा दूर है वो फिर उसको ज्यादा दिन लगते हैं जी। तो ये कंटेनर में जो है ना अभी कूलर की हुई है, ठंडा है, कितने आलू कंटेनर में तकरीबन? ये तकरीबन इसमें हमारे जो इधर की मतलब कैलकुलेशन है जी 300 बोरी का, मतलब कितने टन बनता है अपना भाई आबद भाई, इसमें कितने टन हम डालते हैं कंटेनर में? हाँ 30 टन इसमें हम डालते हैं और उसके बाद इसको पैक करके सील लगा के भेज देते हैं। 30 टन आलू जो एक टाइम में यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाता है? 30 टन हम एक कंटेनर, वैसे तो यहाँ पे जो है ना सुबह से शाम तक 2 कंटेनर हम इजीली तैयार करके भेज सकते हैं। चलिए।